हाय गाइस, आज की वीडियो में देखेंगे समझेंगे जो मेन बोर्ड होता है उसका वायरिंग कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, चाहे फ्यूज का हो जाए या चेंजओवर को हो जाए या एमसीबी को हो जाए या इंडिकेटर को हो जाए, सभी का वायरिंग कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। साथ साथ मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख पा रहे गाइस, चेंज ओवर हो जाए, एमसीबी हो जाए, कैट किट फ्यूज हो जाए, इंडिकेटर हो जाए, सभी को समय का सीट पर नट बोल के सीता से फुल टाइट कर लिए हैं। तो चलिए गाइस, अब इसका कनेक्शन शुरू करते। तो ये दोनों जो वायर है फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में ये दोनों वायर कनेक्ट होगा। तो चलिए, जो कि दोनों वायर को हम पहले ऊपर वाले पीवीसी को हटा लेते हैं, छील लेते हैं। हम कनेक्शन के लिए 1 mm का वायर ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। आप अपना लोड के अनुसार 2.5 mm 4 mm का यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इसी होल से हम वायर पीछे एक साइड से हम डाल लेते हैं। इस तरह से एक वायर हम डाल लिए, अब दूसरे वायर को भी अच्छी तरह से हम डाल लेंगे। इस तरह से डालने के बाद फ्यूज के जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसमें हम कनेक्शन कर देंगे रेड वायर का। रेड वायर को हम फेज मान रहे हैं और ब्लू कलर का वायर जो है उसे न्यूट्रल मान रहे हैं। तो अच्छी तरह से टर्मिनल में वायर को अच्छी तरह से डाल के और स्क्रू की मदद से फुल टाइट कर लेंगे, लूज नहीं छोड़ेंगे। लूज छोड़ने पर यह शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और बचे वायर को हम बैक साइड जो रिवर्स खींच लेंगे। तो इस तरह से चूँकि यहाँ तक कनेक्शन हो गया, फिर से दो वायर हम ले लेंगे। दो वायर लेने के बाद जो वायर है वायर के ऊपर वाले पीवीसी को हम निकाल देंगे, छील देंगे। और छीनने के बाद रेड कलर का जो वायर है उसके बीच से कट लगा के उसमें रेड कलर का वायर के साथ रेड कलर का वायर का कनेक्शन कर देंगे। अच्छी तरह से कनेक्शन करने के बाद उसके बाद जो ब्लू कलर का वायर है उससे भी बीच से कट करके और ब्लू कलर का जो वायर है उसमें ब्लू कलर का वायर का ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से ज्वाइंट करने के बाद इस पर हम टैपिंग कर लेंगे। तो इस तरह से टैप पूरा टाइट से मारे, नहीं तो ये दोनों आपस में सट के शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि रेड कलर का और ब्लू कलर का जो वायर हम ज्वाइंट कर रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं। वो जो दोनों वायर ले रहे हैं जो कि रेड कलर का इंडिकेटर है उसके लिए ले रहे हैं, ताकि मेन बोर्ड में जब लाइन इन करे तो रेड कलर का जो कि इंडिकेटर है वो ग्लो हो जाए, इंडिकेट कर दे ताकि मेन बोर्ड में लाइन आ चुका है। चलिए, इसमें हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो ऊपर वाले कैप को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद जो न्यूट्रल का पॉइंट है, जो न्यूट्रल का टर्मिनल है इंडिकेटर का, उसमें इंडिकेटर का कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से जो कि न्यूट्रल का पॉइंट था न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिए। अब जहाँ फेज का पॉइंट है, फेज का टर्मिनल है, उसमें फेज का कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से इंडिकेटर का पूरा कंप्लीट हो चुका है और कैप को हम लगा देते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं इसका कंप्लीट हो चुका है वायरिंग। अब चलिए नेक्स्ट का वायरिंग करते हैं। तो फिर से हम दो वायर ले लेंगे। दोनों वायर को क्या करना है, फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्शन करना है, उसी से चेंज ओवर में कनेक्शन करना है। तो चलिए, दोनों वायर को क्या करते हैं, नीचे से हम वायर को फ्यूज के लिए डाल लेते हैं। इस तरह से बारी बारी दोनों वायर को हम डाल लेंगे और न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल का वायर डालेंगे और फेज का वायर फेज के सामने डालेंगे और जो कि चेंजओवर का वायर है चेंजओवर के अंदर डाल लेंगे। तो डालने के बाद चलिए आगे एक साइड आके अब इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो सभी वायर को अच्छी तरह से करके और सबसे पहले हम फेज का वायर का कनेक्शन कर लेते हैं, जो कि देख पा रहे हैं आप फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल में हम इसका कनेक्शन कर दिए। ऊपर वाला हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। इस तरह से इसका कनेक्शन करने के बाद आप जो कि ब्लू कलर का वायर है उसका भी कनेक्शन हम कर देंगे। तो और स्क्रू को फुल टाइट कर लेंगे ताकि ये लूज नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, आपका फ्यूज जल भी सकता है। तो इस तरह से कनेक्शन करने के बाद दोनों वायर को हम क्या करते हैं, चेंज ओवर के अंदर डाल लेते हैं इस तरह से। और चेंज ओवर के डालने के बाद चेंज ओवर का जो कि राइट साइड से फर्स्ट जो कि टर्मिनल है उसके स्क्रू को हम खोल लेते हैं। इस तरह से खोलने के बाद क्या करते हैं, हम जो रेड कलर का वायर है उसका एक इसी टर्मिनल में कनेक्शन कर देते हैं और स्क्रू को फुल टाइट कर देते हैं। उसके बाद जो कि ब्लू कलर का वायर है, ठीक है, उसका भी कनेक्शन जो कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट टर्मिनल में इसका भी स्क्रू को खोल के उसमें ब्लू कलर का वायर का कनेक्शन कर देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के चेंजओवर का वायरिंग कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, किस साइड इनपुट दिया जाता है, किस साइड आउटपुट दिया जाता है, किस साइड जनरेटर का दिया जाता है, किस साइड मेन फेज का दिया जाता है, तो इस चेंजओवर के ऊपर हमें एक वीडियो और बनाया है जिसमें फुल डिटेल से हम बताएं चेंजओवर का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जरूर देख लिए। तो देख पा रहे गाइस, फिर से हम दो वायर ले लिए। ये दोनों जो वायर लिए हैं जनरेटर के लिए वायर लिए हैं। तो चलिए, इस होल से हम बैक साइड से दोनों वायर को चेंजओवर के अंदर डाल लेते हैं इस तरह से।
इस तरह से साइड जो कि वायर आ चुका है, अब चलिए चेंज ओवर हम वायर को डाल लेते हैं। इस तरह से वायर डालने के बाद देख पा रहे हैं, आपको समझा दें, जो न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल वाले पोल का कनेक्शन होगा, न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल वाले टर्मिनल में, और फेज के सामने फेज वाले टर्मिनल में कनेक्शन करना है। चलिए हम सबसे पहले न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल वाले वायर को कनेक्शन करना है, तो स्क्रू को हम लूज कर लिए। अब चलिए जो कि न्यूट्रल का ब्लू कलर का वायर है उसको न्यूट्रल के सामने कनेक्शन कर देते हैं और स्क्रू को फुल टाइट कर देते हैं। इस तरह से कनेक्शन करने के बाद देख पा रहे न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल हो गया। अब फेज का आप कनेक्शन करना है फेज के सामने, तो इसके भी स्क्रू को हम लूज कर लेते हैं और उसे खोलने के बाद ये जो रेड कलर का वायर है इसमें हम कनेक्शन कर देते हैं और स्क्रू को फुल टाइट कर देंगे अच्छी तरह से ताकि ये लूज ना रहे। तो देख पा रहे जो आउटपुट का है और ये इनपुट जनरेटर का है, ये इनपुट मेन फेज का है ठीक है, और ये आउटपुट है। तो आउटपुट वाले टर्मिनल को हम खोल लेते हैं, तो न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल वाले टर्मिनल के स्क्रू को हम खोल लेंगे और फेज के सामने जो कि टर्मिनल है उसके फेज वाले टर्मिनल को खोल लेंगे। तो गैस देख पा रहे फिर से हम दो वायर ले लिए ठीक है, एक न्यूट्रल ले लिए एक फेज ले लिए। तो चलिए इसके भी कनेक्शन हम कर देते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल के वायर में स्क्रू डाल लेंगे और दोनों टर्मिनल के बीच में देख सकते हैं आउटपुट जो टर्मिनल है चेंज ओवर का उसमें हम कनेक्शन कर देते हैं न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल के बीच में ठीक है। तो इस तरह से इसे भी स्क्रू को हम फुल टाइट कर देंगे। तो इस तरह आउटपुट न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। अब चलिए फेज का कनेक्शन करने के लिए देख पा रहे दोनों टर्मिनल के बीच में आउटपुट फेज के लिए कनेक्शन है दोनों फेज के बीच में। तो चलिए इसमें भी स्क्रू हम डाल लेंगे अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से डालने के बाद इसके बीच बीच में हम अच्छी तरह से स्क्रू को फुल टाइट करके कनेक्शन कर लेंगे। इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे और सभी स्क्रू को हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे ताकि ये लूज नहीं छोड़ेंगे, नहीं शॉर्ट सर्किट होकर आपका चेंज ओवर जल भी सकता है। सभी स्क्रू को फुल टाइट करने के बाद चेक करने के बाद दोनों वायर को हमें चेंज ओवर से बाहर निकाल लेंगे ठीक है। इस तरह से बाहर साइड निकालने के बाद अब नीचे एक साइड हम जो कि सनमई का जो छेद है उससे हम नीचे एक साइड वायर को कर लेंगे। इस तरह से नीचे एक साइड करने के बाद हम इसी वायर को हम क्या करते हैं MCB का जो कि इनपुट है उसमें हम डाल लेंगे। तो देख पा रहे गाइस जी कि ऊपर साइड दोनों वायर आ चुका है न्यूट्रल और फेज ठीक है। MCB जो है MCB की इस साइड इनपुट होगा और इस साइड आउटपुट लोड पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं इस साइड से इनपुट का कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोनों वायर को हम अच्छी तरह से छील लेते हैं, छीलने के बाद क्या करेंगे सबसे पहले हम फेज का जो वायर है उसका कनेक्शन कर देते हैं और जो कि स्क्रू है टर्मिनल में MCB के टर्मिनल में उसे लूज करके और वायर डाल के और इसे फुल टाइट कर देंगे। तो वीडियो थोड़ा हम पॉज कर दिए स्पीड कर दिए ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। अब चलिए हम न्यूट्रल का जो कि स्क्रू को लूज करके और कनेक्शन कर देते हैं। स्क्रू को अच्छी तरह से हम फुल टाइट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इस तरह से कनेक्शन होने के बाद जो बचे वायर है ठीक है उसे हम रिवर्स पीछे खींच लेंगे। फिर से हम दो वायर ले लिए, दोनों वायर को अच्छी तरह से हम छील लेंगे। ये जो दोनों वायर लिए हैं ये दोनों वायर लोड के लिए ले रहे ठीक है, MCB में जो लोड होगा आउटपुट होगा उसके लिए लिए हैं। तो देख पा रहे हैं जो कि इस साइड न्यूट्रल हो गया और इस साइड फेज हो गया। तो न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल का कनेक्शन आउटपुट के साइड हम करना है। तो चलिए इसके भी स्क्रू को हम लूज कर लेते हैं और अच्छी तरह से वायर डाल के और फुल टाइट कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो कि फेज का वायर है उसमें भी कनेक्शन कर देते हैं और स्क्रू को फुल टाइट कर देते हैं। अब वायर को क्या करते हैं हम जो कि नीचे एक साइड हम डाल देते हैं और बाहर साइड हम खींच लेंगे और इस तरह से ये लोड का वायर हो गया। अब चलिए जो कि आउटपुट के लिए जो कि हम इंडिकेटर ले रहे हैं क्लियर करके उसके लिए बीच में हम कट वायर का कर देंगे, दोनों वायर को कट करके ठीक है। और फिर से हम दो वायर ले लेंगे, ये दोनों वायर को हम छील लेते हैं ठीक है। अच्छी तरह से दोनों वायर को छीलने के बाद जो कि रेड कलर का वायर को रेड कलर के साथ कर देंगे और ब्लू कलर का वायर को ब्लू कलर के साथ हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से दोनों वायर को हम अच्छी तरह से कनेक्शन कर देंगे, रेड कलर का वायर है उसका कनेक्शन कर देते हैं। अब इस पर हम टैपिंग मार लेते हैं, टैपिंग इसीलिए मार लेंगे ताकि ये दोनों वायर आपस में सटे नहीं, शॉर्ट सर्किट नहीं हो। तो इस तरह से दोनों वायर में अच्छी तरह से हम टैप मार लिए, टैपिंग कर लिए ठीक है। अब चलिए जो दो वायर जो है जो इंडिकेटर में हमें कनेक्शन करना है दोनों वायर को अच्छी तरह से हम छील लेंगे और छीलने के बाद इंडिकेटर का जो कि ऊपर वाला कैप है उसे हम खोल लेंगे। और खोलने के बाद जो कि देख पा रहे हैं जो फेज वाले टर्मिनल है इंडिकेटर के उसमें कनेक्शन हम फेज वाले वायर का कर देते हैं। तो इसके स्क्रू को फुल टाइट करने के बाद जो कि ब्लू कलर का वायर है जिसे हम न्यूट्रल के लिए ले रहे हैं तो न्यूट्रल वाले जो कि इंडिकेटर के टर्मिनल है उसमें हम कनेक्शन कर देंगे। तो ऊपर वाले कैप हम लगा देते हैं। तो इस तरह से इसका वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब चलिए सभी वायर को अच्छी तरह से हम सीधा कर लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो देख पा रहे गाइस सभी वायर को अच्छी तरह से हम सेट करने के बाद ये जो वायर है ये बिजली का मेन लाइन है जो इनपुट होगा जो कि फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्शन हुआ है।
अंदर से अगर समझाए तो ये दोनों जो वायर है, एक न्यूट्रल एक फेज, दोनों वायर में बीच से कट करके हम दो वायर ज्वाइंट कर दिए हैं। दोनों वायर ज्वाइंट करने के बाद देख सकते हैं इंडिकेटर जो रेड कलर का है इसमें हम कनेक्शन कर दिए ताकि मेन बिजली जब इन हो तो ये रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो हो जाए। इस तरह से कनेक्शन करने के बाद ऊपर वाले ट्रेन रूम में नीचे वाले ट्रेन रूम में दो वायर का कनेक्शन कर दिए। इसी से होते हुए जो कि चेंज ओवर है उसमें जो कि इनपुट वाले वायर में हम कनेक्शन कर दिए, एक न्यूट्रल एक फेज, और बीच में आउटपुट के लिए हम कनेक्शन कर दिए। इसी दोनों वायर को हम लेके जो चेंज ओवर से होते हुए इस साइड से हम जो एम सी बी के इनपुट में हम कनेक्शन कर दिए, देख पा रहे हैं जो कि न्यूट्रल फेज है। इससे कनेक्शन होने के बाद ये जो इससे जो कि आउटपुट निकलता है लोड, उसको हम क्या किए इस साइड वायर को कनेक्शन करके निकाल लिए, देख पा रहे हैं ये। और ये जनरेटर का वायर हो गया, ठीक है। इस जनरेटर का वायर देख पा रहे हैं जो कि इस साइड जो कि इनपुट के लिए न्यूट्रल दिए और आउटपुट के लिए फेज दिए हैं। तो ये हो गया जनरेटर का, ये हो गया लोड का वायर जो कि एम सी बी का लोड जो है आउटपुट उसका है। ये दोनों वायर में भी एक न्यूट्रल के लिए एक फेज के लिए दो वायर का हम जोड़ लिए और ग्रीन कलर के इंडिकेटर के लिए। जब ये लोड पड़ेगा ऑन होगा तो ग्रीन कलर का इंडिकेटर जल उठेगा। तो इस तरह से इसका कनेक्शन किए हैं। तो वायरिंग कंप्लीट होने के बाद इसका टेस्टिंग के लिए एक बोर्ड हम ले लिए। इस बोर्ड के जो वायर है जो कि मेन बोर्ड के आउटपुट जो कि लोड का वायर है उसमें हम ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो दोनों वायर को अच्छी तरह से छील लेंगे और न्यूट्रल वाले वायर को न्यूट्रल से हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है, और फेज वाले वायर को फेज से कनेक्शन कर देंगे और इसमें अच्छी तरह से हम टैपिंग कर लेंगे, टैप मार लेंगे, ठीक है। देख पा रहे दोनों वायर में अच्छी तरह से बारी बारी से टैप हम मार लेते हैं। तो अगर इस प्रकार का आप इलेक्ट्रिक बोर्ड अगर बनाना चाहते हैं तो इसका वायरिंग कनेक्शन किस तरह से किया जाता है फुल डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप जरूर जाकर देख सकते हैं वीडियो और समझ सकते हैं। इसके बाद चलिए हम टेस्टिंग के लिए एक होल्डर ले लेंगे, एक बल्ब ले लेंगे, ठीक है, और टू पिन टॉप लगा के इस बोर्ड में हम अच्छी तरह से ज्वाइंट कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे। तो देख पा रहे हैं जो कि फ्यूज भी हम लगा लिए और चार्जर के ऊपर वाले कवर को भी लगा दिए और बिजली और जनरेटर दोनों में हम लाइन दे दिए। तो देख पा रहे हैं आपको दिखा रहे हैं जो कि रेड कलर का इंडिकेटर है ये जल रहा है, ग्लो हो रहा है, जो कि मेन बोर्ड में लाइन आ चुका है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एम सी बी को ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन किए आप चार्जर को बिजली मोड पर देंगे, ठीक है, बिजली की तरफ, तो ये देख सकते जो कि ग्रीन कलर का इंडिकेटर है जल रहा है, ग्लो कर रहा है। चलिए मेन लोड जो कि बोर्ड में आ चुका है, चलिए इसे बटन को ऑन करेंगे, ये बल्ब जलने लगा। तो इस तरह से मेरा वायरिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करते हैं, जैसे ही एम सी बी को हम ऑफ करेंगे ये बल्ब ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब जैसे फिर हम एम सी बी को ऑन करेंगे देख सकते हैं जो कि बटन को ऑन करिए ये बल्ब जल रहा है और चार्जर को ऑफ पर रखे तो ऑफ हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, जनरेटर का जो वायर है उस पर हम लोड देते हैं। तो देख पा रहे हैं जो जनरेटर का लोड भी है ग्लो हो रहा है इंडिकेटर, और जैसे एम सी बी को नीचे की तरफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, देख पा रहे हैं, और जैसे ऊपर किए ऑन हो गया। तो इस तरह से मेरा वायरिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ साथ चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही है।